नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम दीपक लोनी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसा भजन जिसकी सरगम पर आप बहुत सारे ढेरों भजन प्ले कर सकते हैं। तो भजन है, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमें बस 4 लाइन सीखनी है और वही 4 लाइनें फिर रिपीट होती जाती हैं। तो इसकी सरगम पर आप, या इस भजन की नोटेशन पर आप बहुत सारे भजन, जैसे जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, इस भजन को प्ले कर सकते हो। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, इस भजन को भी प्ले कर सकते हैं। और भी बहुत सारे भजन हैं जो कि आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रहे होंगे। तो इन भजन को आप इस एक पैटर्न पर या एक सॉन्ग की नोटेशन पर आप प्ले कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। तो पहले इस लाइन को मैं प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद स्लोली स्लोली वन फिंगर से सीखेंगे। तो कैसे है देखिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। फटाफट से सीखते हैं। स्टार्टिंग होगी रे से। तो देखिए पहली लाइन कैसे है। पहली लाइन है, छोटी सी मेरी पार्वती। देखिए स्लोली, ऐसे सरगम भी देखिए। इसमें जो है रे शुद्ध, रे कोमल दोनों यूज होंगे, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। रे 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 ग ग ग म ग रे ग म प म म। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई। उसके बाद सेकेंड लाइन, शंकर की पूजा करती थी। तो पहली लाइन जो थी हमने म पर खत्म की थी। अब अगली लाइन हमें ग से शुरू करनी है। ठीक है, शंकर की पूजा करती थी। स्लोली देखिए। सरगम ठीक है, इतना हो गया। अब पूरी लाइन देख लीजिए। ठीक है, अब अगली लाइन, निर्जल रहकर निश्चल मन से वो ध्यान प्रभु का धरती थी। तो ये जो लाइन है यही अंतरे में भी चलेगी, तो सीखते हैं इसको भी। तो पहले मैं प्ले करता हूं, उसके बाद स्लोली स्लोली सीखेंगे वन फिंगर से। तो ये हो गया। अब पहले इतना देखिए, निर्जल रहकर निश्चल मन से। ठीक है, तो देखिए कैसे लाइन शुरू होगी म से। स्लोली देखिए। पकड़।
सरगम देख लीजिए एक बार। अगली लाइन नित्य ध्यान प्रभु का धरती थी, तो ये लाइन शुरू होगी ध से, ठीक है। स्लोली देखिए, सरगम देखिए, धनी धा पा 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 मा गा पा मा, ठीक है इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने लाइन माप पर खत्म की, उसके बाद एक छोटा सा कनेक्टर, फिर वही लाइन वापस से शुरू, छोटी सी मेरी पार्वती, ठीक है। तो बस हमें इस भजन में इतना ही सीखना है, बाकी अंतरा भी कुछ इस तरीके से चलता रहेगा आगे को। तो इसकी सरगम पर हम बहुत सारे ढेरों भजन प्ले कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।